कुछ महीने पहले वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने संबंधी सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास वापस भेज दिया गया था। दरअसल उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने संबंधी प्रस्ताव 5 साल से अधिक से लंबित है। इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश दोहराते हुए केंद्र को सिफारिश भेजा है। कॉलेजियम का कहना है कि हर एक व्यक्ति को अपने मन मुताबिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखने का अधिकार हासिल है। सौरभ कृपाल के अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर खुलेपन के चलते उनके जज के तौर पर उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही कॉलेजियम ने कहा कि सौरभ कृपाल का व्यवहार हमेशा उत्कृष्ट रहा है और जज के तौर पर उनकी नियुक्ति बैच में विविधता को बढ़ाएगी। बता दें कि इससे पहले सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का जज बनाए जाने का प्रस्ताव दिल्ली हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा 13 अक्टूबर 2017 में दिया गया था। इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2022 को अपनी मुहर भी लगा दी थी। कॉलेजियम का यह भी कहना है कि संवैधानिक पदों पर मौजूद बहुत से लोगों के पार्टनर विदेशी नागरिक रहे हैं। ऐसे में विदेशी पार्टनर होने की वजह से उनका नाम खारिज करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आपको बता दें कि पूर्व सीजेआई बीएन कृपाल के बेटे सौरभ कृपाल समलैंगिक हैं और उनके पार्टनर स्विस नागरिक हैं। ऐसे में उनके दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनने संबंधी मामले में भी अड़चन सामने आई है। साथ ही शीर्ष न्यायालय के कॉलेजियम ने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सौरभ कृपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव 5 साल से अधिक से लंबित है, जिस पर तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब जहां तक बात सौरभ कृपाल की है तो इसको लेकर साउथ ब्लॉक डिजिटल ने पाया है कि वे एक अच्छे वकील हैं और उनका व्यवहार भी हमेशा हर मामले में प्रशंसनीय रहा है। अब आगे देखना होगा कि जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने संबंधी सिफारिश केंद्र की मोदी सरकार को भेजा गया है तो इस पर केंद्र की मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।